हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू से बना हुआ चीला, या फिर पटैटो पैनकेक भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए, इसके लिए ये मैंने एक बड़ा सा आलू ले लिया था, इसको मैंने है कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद 3-4 बार अच्छे से साफ़ पानी में इसे निकाल लिया है। उसके बाद ये मैंने लिया है 4 चम्मच के करीब, ये मैंने भरकर बेसन लिया है। साथ ही ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर, इसे 2 चम्मच के करीब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ करूँगी। ये मैंने ली है हरी मिर्ची, साथ में मैंने ली है एक शिमला मिर्च बहुत बारीक बारीक काट कर, और इसके साथ ही एक टमाटर मैंने ले लिया, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपके पास फ्रेश हरा धनिया हो तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू मैंने इस बाउल में निकाल लिए हैं, इनका पानी मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये बेसन, इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो टमाटर मैंने लिए थे, साथ ही ये शिमला मिर्ची और ये हरी मिर्च, और इसके साथ ही मसालों में हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब ये लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ही 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, और स्वाद के हिसाब से नमक। वापस से इन्हें मिक्स कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, तो अब इनको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए, इधर मिक्सचर को रखे हुए लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं पहले से ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और ये थोड़ा कम भी हो गया है। तो बस अब ये बनाने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसके चीले। पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये मिक्सचर डाल दूंगी, 1 चम्मच से इसे लेंगे और जितना बड़ा छोटा जैसा भी हमें बनाना है हम उतना मिक्सचर इसमें डाल देंगे। देखिए, मैंने मिक्सचर डाल दिया है और इसको फैला देंगे हम चम्मच की हेल्प से, जितना भी हमें बड़ा बनाना है। उसके बाद हल्का सा इस पर ऑयल लगा देंगे चारों तरफ से, थोड़ा सा ऊपर भी डाल देंगे और इसको सिकने देंगे। दूसरी साइड से सिक चुका होगा, तो अब हम इसको पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इधर से ये सिक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हल्का सा ऑयल लगा देंगे इस पर हम इस साइड, और इसको स्लो फ्लेम पर हम वापस से सिकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, मैं वापस से इसे पलट दूंगी, तो ये इधर से भी बहुत अच्छे से सिक चुका है। दबा दबा कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुका है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए, ये बनकर तैयार है। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। हल्का सा ऑयल डालना है, इसके बाद ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसे डाल देंगे, और डालकर इसे फैला देंगे। हमें जितना भी बड़ा छोटा जैसा भी हमें बनाना है उसी हिसाब से चम्मच की हेल्प से बहुत आसानी से फैल जाएगा। इसे मैंने फैला दिया है, अब हम इस पर डाल देंगे हल्का सा ऑयल और स्लो फ्लेम पर इसे सिकने देंगे। ये 3-4 मिनट हो चुके हैं, तो बस अब मैं इसको पलट लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आया है।
इसको स्लो फ्लेम पर ही सेकना है, तभी ये बहुत ही क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। वापस से मैं इसमें साइडों में हल्का सा ऑयल डाल दूँगी और हम इसको दूसरी साइड से भी सिकने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा किनारों से इसे दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। तो देखिए इधर से भी इसे सिकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे वापस से पलट दूंगी। इसे हमें अलट पलट कर दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक लेना है। बस इसके लिए हमें गैस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुका है, तो बस इसे भी मैं निकाल लूँगी, इसे भी मैं वापस प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं अब इसे सर्व करने की प्रोसेस में। तो देखिए हमारे ये आलू के चीले या पैनकेक बनकर तैयार हैं। तो देखने में भी लग रहे हैं ना ये कितने मस्त, और खाने में तो यार इनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए कितने क्रिस्पी ये लग रहे हैं देखने में। तो मैंने इन्हें सर्व किया है चटनी के साथ और मैंने इन्हें शाम की चाय के साथ बनाया है। तो आप भी इन्हें बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए वीडियो और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।